गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्लास सेकेंड एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में जहाँ तक हमने बात की थी, हमने प्रिंटर आपको बता दिया था कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या होता है हमारा, प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर अपने काम का प्रिंट आउट, एक प्रिंटर आपको अपने काम का प्रिंट आउट लेने में मदद करता है। प्रिंटर उसी काम को कागज़ पर प्रिंट करता है जो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है। अब स्पीकर और हेडफोन, स्पीकर और हेडफोन का उपयोग कंप्यूटर को रिकॉर्ड किए गए गाने सुनने, आवाज़, भाषण, अन्य प्रकार की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। हम किस लिए UPS को उपयोग करते हैं, UPS निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए खड़ा है। बिजली बंद होने पर यह कुछ समय के लिए कंप्यूटर को चालू रखता है। यानी अगर हमने कंप्यूटर ऑन किया है और हम उसमें कोई वर्क कर रहे हैं और अगर हमारी लाइट चली गई है, तो लाइट चली जाने के ये यूपीएस का काम क्या होता है, अगर हमारी लाइट चली गई तो हमें 5 मिनट्स देता है कि हम आराम से अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें, वहाँ पे शट डाउन कर दें, जिससे हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाए। लाइट जाने के बाद ये हमें वहाँ पे स्टॉप रहता है कि थोड़ी देर हमें टाइम मिल जाता है कि हम अपना उसको जो भी डेटा या जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें या जो भी हम उसमें टाइपिंग कर रहे हैं उसको हम आराम से बंद कर सकते हैं। और लाइट जाने के बाद हम इस यूपीएस जैसे हमारा चलता रहता है उसके थ्रू हम अपना क्या है कंप्यूटर बंद कर देते हैं और तब फिर हम अपना यूपीएस बंद करते हैं। क्योंकि यूपीएस हमारा उस समय हमें इस चीज़ की नॉलेज देता है कि मतलब हमें कितनी देर, अगर हमारा काम रुका हुआ है तो हमें वहाँ पर आराम से बंद करने का टाइम मिल जाता है इस यूपीएस के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।